वर्तमान बड़ खबर प्रकाश पाइला मैट्रिक परीक्षा फर्म पूरण विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर बुधवार मैट्रिक परीक्षा फर्म पूरण पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई विज्ञप्ति उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर पिला बाहरी सूचना रही है। परीक्षार्थी जनवरी 10 तारीख फेब्रुआरी 2 तारीख मध्य आवेदन करें 2021 वार्षिक हाईस्कल सार्टिफिकेट परीक्षा निम्ते परीक्षार्थी ऑनलाइन चके फर्म पूरण करें। जनवरी 10 तारीख सका 10 फर्म पूरण कार्य आरंभ हो जनवरी 27 तारीख रात 11:45 मध्य बिना जरिमाना फिस् दाखल करें। परीक्षार्थी 28 तारीख मध्यरात्र फर्म दाखल कर शेष समय से जनवरी 28 तारीख फेब्रुआरी 1 तारीख रात 11:45 सुधा जरिमाना सह फिस् दाखल करहब। फर्म दाखल करिबार शेष तारीख हेउछि फेब्रुआरी 2 तारीख। परवर्ती खबर स्वास्थ्यकर्मी टीका बाध्य नुहे। सबु स्वास्थ्यकर्मी टीका बाध्यतामूलक नुहे। जो स्वास्थ्यकर्मी चाहिए सेमानंकु टीका दिया आज यही सूचना देखते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निर्देशक। टीका निर्माण कंपनी सीधा ओडिशा आसीब कोरोना टीका। टीका पहुंचा पर यह स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा विभिन्न जिले में वैक्सीन स्टोर को पठा राज्य में जहां सरंजाम रही टीकाकरण जथेष से सूचना देते राज्य में डाटाबेस अनुसार टीका मगाई प्रथम पर्यायर 3 लक्ष अधिक लोक कोरोना टीका दिज्व प्रथम कोरोना योद्धा को टीका दिज्वर केन्द्र सरकार गाइडलाइन अनुसाई अन्य टीका प्रदान करा हो। परवर्ती खबर अंडा और मांस को भल भाव में रांधि खावा परामर्श दे केन्द्रमंत्री। देश में बार्ड फ्लू व्यापार आरंभ करस्त नाक केन्द्र पशु संपद मंत्री गिरिराज सिंह लोक परामर्श देते आभियन इनफ्लुएंजा बार्ड फ्लू बर्तवाक कौन करने से कथा केन्द्रमंत्री कहते बार्ड फ्लू भितर देशवासी अंडा और मांस बेस आराम खाईपरिवे किंतु यह भल भाव में सिछाई और रांधिप खाइले बार्ड फ्लू किसी करें से आज ट्विट कर स्थान में विदेश आसीथिबा पक्षी और जंगल में रोथिबा पक्षी शरीर में बार्ड फ्लू भूताणु मिलिथिबार खबर मिली तेणु अंडा और मांस को लोक माने भल भाव में रांधि खातु व्यस्त होबार कौन कारण ना राज्य जोगाजोग कर सब प्रकार सहायता जगै दि जा। परवर्त खबर हेलमेट नहीं सतर्क कराइला ट्राफिक पुलिस। नुआ वर्षरु बाइक आरोहीं लागू होइछे नुआ नियम। राज्य सरकार बाइक चालक और पछरे बसुथिबा यात्रीं डबल हेलमेट बाध्यतामूलक करिछन्ते। तबे आपण माने पिंथुथिबा एही हेलमेट केते सुरक्षित आपण पिंथुथिबा हेलमेट सभापर्थन पई ना निज सुरक्षा पई बजार रे बिक्री होथिबा फळिखि फळि हेलमेट को देखिले एफळि प्रश्न उठाइबा स्वाभाविक जहाँ कुनी एबे ट्विट करी मत रखिछन्ते भुवनेश्वर ट्राफिक डीसीपी कि फळि हेलमेट पिंथि पारिले जणा सुरक्षित रही पारिबो सेनी ट्राफिक पुलिस लोकंकु सतर्क कराइछे। सर्वदा आईएसआई हॉलमार्क थिबा हेलमेट पिंथिबा ट्राफिक डीसीपी ट्विट करी सूचना देइछे से लोकंकु आईएसआई हेलमेट पिंथतु सुरक्षित यात्रा करंतु पले सचेतन कराइछन्ते। भल क्वालिटी तथा आईएसआई मार्क थिबा हेलमेट दुर्घटना बेले प्राय 70% जाए जड़े व्यक्तिर मुंड को सुरक्षित रखिबारे सहायक होद्वारा निजे पंचीबा सह निज परिवार जीवन पंचाई पारे ट्राफिक पुलिस कहते। परवर्ती खबर पुणी बढ़ला पेट्रोल डीजेल दर। बुधवार पुणी तेल दर वृद्धि पाई पेट्रोल लिटर पिछा 26 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 25 पैसा वृद्धि पाई अंतर्जात बजार में तेल दर बढ़ी चली दर वृद्धि होती कहुच्छ वृद्धि पर आज दिल्ली में पेट्रोल दर लिटर पिछा 83.97 और डीजेल लिटर पिछा 74.12 पहुंची इंडियन ऑयल पक्ष जारी दर तालिकार कहुई। अंपक्ष भुवनेश्वर में पेट्रोल 84.61 और डीजेल 80.74 बिक्री तबे फाट अनुसार राज्यर अन्य जिले में दर में तारतम्य परिलक्षित होड़िशार मलकानगिरी में पेट्रोल 99.65 और डीजेल 85.62 बिक्री होपरी संबलपुर में पेट्रोल 85.21 और डीजेल 81.33 बालेश्वर में पेट्रोल 84.61 और डीजेल 80.75 बिक्री हो। परवर्ती खबर राउरकेला स्टील प्लांटर 2 डीजेएम निलंबित। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी रे कोल केमिकल डिपार्टमेंट रे गैस लीक हो 4 जन ठेका कर्मचारी मृत्यु होता। एक घटना रे राउरकेला स्टील प्लांट सीईओ 2 जन डीजेएम को निलंबित करते कर्तव्य में अवहेला दर्शाई कोल केमिकल डिपार्टमेंट डीजेएम एन दास और एनर्जी मैनेजमेंट डीजेएम जी बारिक को निलंबित करसह मृतकों पर जनक चाकरी देवाई निष्पत्ति। राउरकेला स्टील प्लांट संचार विभाग पक्ष एने सूचना दि जाए बुधवार सकाल पर 9 बेले आरएसपी कोल केमिकल डिपार्टमेंट कर्मचारी कार्यरत थे गैस लीक होता खबर पाई प्लांटर अग्निशम कर्मचारी पहुंची असुस्थ 10 जन को उद्धार करते से प्रथम प्लांटर थिबा स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा स्वास्थ्यावस्था गुरुतर होबारु आईजीएच को स्थानांतरित करा चिकित्साधीन अवस्था 4 जन मृत्यु होता अन्य 6 जन सुस्थ थिबा जनापड़ी। परवर्ती खबर पुणी गाई पाटी फुटिला बोमा।
बारहा शिकार पाई बिलरे पिछा सहीथिला बमा आउ सेई बमा को बिलरे चरुथिबा गाई खाई दैथिला फलरे बमाटी गाई पाटीरे फुटीथिला सदर थाना कुकुडा खंटी कालुओ रोड निकट बिलरे ई दुर्घटना घटीछे गाईटी गुरुतर होई सेई बिलरे पडीथिबा चणा पडीछे एहाकुनी स्थानीय लोकंक भितरे भयर वातावरण खेली जाइछे गतकाली मध्य केन्तुपाट गाँवें गोटी गाई चरुथिबा बेले बमा चपाई दैथिला फलरे बमाटी विस्फोरण हेबारु गाईटी गुरुतर होइछे से गाईर चिकित्सा जारी रहिछे सूचनारु प्रकाश बारहा शिकार पाई दुर्वृत्त माने नियमित भावे बिलरे बमा खंजुछन्ते मात्र बारहा शिकार हेबा परिवर्ते गाई माने सेई फासरे पड़ी जाउछन्ते। परवर्ती खबर, भारतीय नौसेना को शक्तिशाली मीडियम कालिपर गन प्रदान करिब अमेरिका। चीन सह विवाद लागि रहिथिबारु भारत निजर सामरिक शक्ति को पढ़ाई परा लागिछे। भारत महासागर रे चीन पटु विपद आशंका थिबारु भारत निजर नौसेना को अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र रे सज्जित करुछे। ए क्षेत्र रे अमेरिका भारत को सहायता करि चलेछे। भारतीय नौसेनार युद्ध जहाज रे खंचिपाकु अमेरिका अत्याधुनिक 137 मीडियम कालिपर गन जगाइपाकु राजी होइ जाइछे। एथिपई दुई देश मथरे प्राय 3800 कोटि टंकार एक चुक्ति स्वाक्षरित हेबाकु चाहुछे। एसबु 137 मीडियम कालिपर गन आसिबा परे बृहत युद्ध जहाज गुड़िकर खंजा छिप एगुड़िक शत्रु पक्षर आक्रमण जहाज को सुरक्षा प्रदान करिब। परवर्ती खबर, स्वास्थ्य साथी कार्ड नेपाकु लोकंक सह धाड़ी रे छेड़ा हेले मुख्यमंत्री ममता। समय थिला से जेउठी ठिया होथिले सेउठो धाड़ी आरंभ होउथिला हेले आज समय बदली जाइछे। मुख्यमंत्री थाइबि लोकंक मनरे विश्वास और लोकप्रियता को वृद्धि करिपाकु से धाड़ी रे ठिया होइछन्ते। आमे कहुछु पश्चिमबंगर विपादीय मुख्यमंत्री ममता बानर्जीकर कथा। स्वास्थ्य साथी कार्ड पई पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी मंगलवार कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पक्षरु कार्ड पंटन केन्द्र रे धाड़ी रे छेड़ा होइथिबा देखिबाकु मिलिथिला। मंगलवार पूर्वाह्न 11:45 मिनिट रे कार्ड नेपाकु साधारण लोकंक सह धाड़ी रे छेड़ा होइथिले ममता बानर्जी। तांक सहित थिले नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम ओ अन्य किछि सरकारी अधिकारी। केन्द्र सरकारक आयुष्मान योजना को टक्कर दे ममता निज निज राज्यर लोकंक पई स्वास्थ्य साथी नामरे एक योजना प्रणयन करिछन्ति। परवर्ती खबर को जीवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी शेष पर्यंत देखु कारण भिडियोर शेषर रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियोटी लाइक कर दिंतु कारण आपणकर गोटे छोट लाइक आमको नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करें। परवर्ती खबर, नाबालक को साबालक दर्शाऊ बथ्रा विरोध में फौजदारी मामला रुजुकर। नयागढ़ चतुपुर नाबालिका हत्या मामलें एसआईटी द्वारा गिरफ्त होता अभियुक्त को पोक्सोकोर्ट नाबालक दर्शाई पर एसआईटी मुख्य अरुण पत्रा उपर बसी विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक। एसआईटी उद्देश्य और पारिपापणिया को नहीं प्रश्न उठाइले विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक। कहीं एसआईटी जड़े नाबालक को साबालक देखा चेषा करुले मैट्रिक पास सर्टिफिकेटर जन्म प्रमाणपत्र सत्वे दर्शाई कारण संपूर्ण बेआईन। अरुण पत्रा विरोध में फौजदारी मामला हो दावी कर प्रदीप्त। यह व्यतीत से कहते मंत्री अरुण साहू और बीजेडी को रक्षा करने एपरी उद्यम होपृक्त नाबालक हाड़ ओसीफिकेसन करने पत्रा को अनुमति देला किए बिना प्रमाणपत्र जड़े दलित नाबालक को फसाई दि जाए अंक तस्करी को लुचाई मनगढ़ा कहानी कहती एसआईटी। परवर्ती खबर, कटक सदर अंचल नकली चापती कंपानी ठाप जड़े अटक। कटक सदर थाना अंतर्गत मुकामेश्वर ग्राम एक नकली चापती प्रस्तुतकरण कंपानी ठाप कर। कटक सदर थाना पुलिस विशेष सूत्र खबर पाई उक्त कंपानी चढ़ाऊ करता बेले प्राय 4 क्विंटाल अधिक परिमाणर नकली चापती नामीदामी कंपानी लोक स्टिकर जबत करने जड़ को अटक रखी पचराउचरा जारी रखी। चारे पत्र और काठगुंड मिश्रण कराऊ पुलिस पत्र और काठगुंड जबत कर। सूचना अनुसाई कटक पलटी नकली सामग्री हब गत किद कटक विभिन्न अंचल कमिश्नरेट पुलिस नकली सस् गुटखा सोयापड़ी मसला घी कंपानी ठाप कर चढ़ाऊ करता बेले आज कटक सदर थाना मकामेश्वर ग्राम एक नकली चापती कंपानी ठाप कर। परवर्ती खबर, स्कूल ब्याग हालुका करने दिल्ली सरकार जारी कले निर्देशनामा। दिल्ली सरकार प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ुता छात्र छात्री ब्याग हालुका करने निर्देशनामा जारी करते सरकार। यही निर्देशनामा स्कूल ब्याग पॉलिसी 2020 अनुसाई जारी करते ब्यागर सर्वाधिक ओजन 3.4 किलोग्राम 5 किलोग्राम मध्य रही परामर्श दि जाए। तेज भारी ब्याग द्वारा छात्र छात्री शरीर उपर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव को ह्रास करने को निष्पत्ति शिक्षा निर्देशालय डीईओ विद्यालय प्रधान शिक्षक मान एक चिठीर कहते कि यही परामर्श गुड़िक नूतन जातीय शिक्षानीति एनईपी सहित मेल खाऊ जो दर्शाई जे 1-10 श्रेणी छात्र छात्री स्कूल ब्याग ओजन सेना शरीर ओजन 10% अधिक होगा उचित नुहे। परवर्ती खबर, लंबा लड़ी लड़ाकू प्रस्तुत हेले चाषी सिंघु सीमार लगला वाटर प्रूफ टेन्ट।
ଆଜି ବଳେସ୍ତୁନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନୂତନ କୃଷି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ଯାଏଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହସୀମାରେ ଚାଷୀମାନେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପୁରୁଣା ଟେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଫଗିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଂହସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରକାର କେବଳ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଦେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ହେଲା। କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାନୁଆରୀ 5ରେ କୌଣସି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 60,000 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ 50,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କୋଭିଡ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଆଲର୍ଟ ଲେବୁଲ 5 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କରୋନା ଟିକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦେବା ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ଆବାସ ନକ୍ବି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ହଜ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 50% ଆବେଦନ ମହିଳାମାନେ କରିଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 700 ଜଣ ନିଜ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରଖିନପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀମାନେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଥା ସନ୍ଦେହ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଋଣଭାର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚଭାର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଘର କାମରେ ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟୁକ୍ତି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଖୁସି ରହିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବିତ କରାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ମାଲିମକଦ୍ଦମା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତି ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ବଦଳରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବେ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ସକାଶେ କଥା ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଓଲଟା କଥା କହିପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଆଇନ ଅଦାଲତରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗଦେଇ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତରୁ ଖାଇ ପର ପାଇଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବିଛା ରାଶି, ଏଣୁତେଣୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ପିଲାଙ୍କ ବୈବାହିକ କର୍ମ ସକାଶେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ଆଜିର ଚକାଚକରେ କେବଳ ବାଚନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟତୀତ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କ୍ଲିନିକ୍ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ମକର ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙ୍କ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି,
दीर्घ दिनरु अटकि रहिथिबा असंपूर्ण कामकु संपूर्ण करिपे पिलामानक सकासे विवाह प्रस्ताव नै बंथु आसी परन्ते विभिन्न स्थान भ्रमण हेतु क्लांति अवस्था देखा दै पारे स्त्रीक सहानुभूतिपूर्ण कथारे मानसिक अशांति दूरै छिप मीन राशि कर्मक्षेत्र रे टेंशन कमी छिप ओ सहयोग भितरे काम कले उपकार पाइपे शिल्प व्यवसाय ओ पाणिज्य रे प्रतिबंधक सृष्टि होइ पारे अजथा चुक्ति तर्क हेतु दाम्पत्य जीवन रे छड़ सृष्टि होइ पारे निर्माणथुन काम जांत्रिक जिनिस क्रय पार्टी पिकनिक करिबा सकासे बंधुमानक सह आलोचना करि पारंती।